Hello everyone, welcome to all of you Unacademy, let's crack UPSC CSE. Friends, आज हम बात करेंगे कि चाइना ने अपनी एक बार फिर हरकत दिखा दी है. उसने एक नया बॉर्डर डिस्प्यूट भूटान के साइड से खोल दिया और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले इस बॉर्डर डिस्प्यूट का कभी कोई जिक्र नहीं था और अब ये बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी बड़े एरिया पर क्लेम करता है. और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस बॉर्डर डिस्प्यूट के अंदर आपके कोई भी बॉर्डर आपके चाइना से नहीं लग रहा है. यह बॉर्डर हमारे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश और आपके चाइना भूटान से लग रहा है. बल्कि आपके यहाँ पर देख सकते हो एक सेंचुरी है. अभी आपके एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की, 58th मीटिंग थी, जिसमें आपके आपके सैनकैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपके यहाँ पर क्लेम किया गया. साकेंग आपके जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे कम्प्लीटली क्लेम कर दिया है भूटान की. तो यहाँ पर आपके चाइना अब साउथ चाइना सी के अंदर स्पार्टले आइलैंड और 9-line के क्लेम तो करता रहा ही है. साथ साथ में आपके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के क्लेम हैं जो रिसेंटली चल रहे हैं आपके, चाहे वो आपके गलवान घाटी का इशू हो, पगोंग सॉ लेक का इशू हो, या फिर हमारे पुराने मैकमोहन लाइन का इशू हो, या फिर अगर हम बात करें डोकलाम विवाद की भी, तो डोकलाम इशू में भी आपके, चलो ये माना जा सकता है कि चाइना के साथ आपका बॉर्डर लगा हुआ था, बट अब इस भूटान के इशू में तो आपका चाइना और भूटान का कोई बॉर्डर लगा हुआ भी नहीं है. फिर वापस अब इंडिया कैसे इस पर रिएक्ट करेगा और किस तरीके से इस विवाद को देखेगा, उन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे. और क्या यूटिलिटी है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, कैसे क्लेम है और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी में ये मुद्दा क्यों उठा, इन सभी चीज़ों के बारे में फ्रेंड्स जानते हैं. दोस्तों, आई एम एस के शर्मा, आई हैव 5+ years टीचिंग एक्सपीरियंस. आई अपीयर 2 times UPSC इंटरव्यू, 4 times UPSC मेन्स एग्जाम एंड ऑल्सो क्वालिफाइड गेट एंड RAS एग्जाम. अनअकैडमी विच इज़ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर आप 100% आप कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे. बहुत ही इनोवेटिव मेथड्स में डिजाइंड डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी. डेली लाइव टेस्ट एंड क्विजेज भी यहाँ पर आपको मिल सकते हैं. साथ साथ में आपको कंप्लीट अनलिमिटेड एक्सेस भी यहाँ पर मिलेगा. तो इंडिया के बेस्ट 100+ एजुकेटर्स के द्वारा आप इसी जगह आप कंप्लीट UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हो, चाहे आप ऑप्शनल ऐसे एथिक्स एनीथिंग एल्स, एवरी थिंग इज अवेलेबल हेयर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग टू रिलेटेड टू UPSC. तो 1 year सब्सक्रिप्शन आप 44,000 में यहाँ ले सकते हो. अगर आप 10% की एक्स्ट्रा छूट, एक्स्ट्रा रिबेट आप लेना चाहते हो, तो SK Sharma रेफरल कोड यूज करो, देन जस्ट अप्लाई दैट रेफरल कोड. योर अमाउंट ऑफ 1 year विल बी रिड्यूस बाई 10% एंड योर द अमाउंट ऑफ 1 year सब्सक्रिप्शन विल बी 39,600. और अगर आप 2 years का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जो कि 64,000 का है, तो इसमें भी SK Sharma रेफरल कोड यूज़ करो और 57,600 आप कम्प्लीटली 2 year के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो. स्पेशली बेसिक से स्टार्ट किया गया एक चैनल है बिगनर्स टू मास्टर्स, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो. ये अनदर चैनल है आपके UPSC अनअकैडमी का. और साथ साथ स्पेशली डिजाइन फॉर करंट अफेयर, यू कैन ज्वाइन द लेट्स क्रैक UPSC करंट अफेयर्स चैनल. PDFs के लिए आप टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन करो, रेफरल कोड SK Sharma यूज़ करो जब सब्सक्राइब करते हो तो, और किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. तो लेट्स स्टार्ट गाइज. देखो, पहले आपके चाइना के साथ में कुछ आपके विवाद थे, क्योंकि 1984 से ही इंडिया तो हमेशा बीच में इन इश्यूज में आता ही रहा है, पर आपके स्पेशली चाइना और भूटान के बीच में 1984 से ही बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे थे. बट ये बॉर्डर डिस्प्यूट कौन कौन से थे आपके, मेनली 2 बॉर्डर डिस्प्यूट हैं आपके. एक तो है जारकलंग का, आपके जाकारलंग का, और एक है आपके पैराम्यूंग का. तो ये 2 बॉर्डर डिस्प्यूट है जो कि सीधे सीधे चाइना के बॉर्डर से टच करते हैं. लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के डिस्प्यूट्स हैं. और 2017 में जो कि इंडिया चाइना और भूटान का ट्राइजंक्शन पॉइंट है, हमारा चिकन स्नेक के बिल्कुल पास में आता है, तो डोकलाम प्लेट्यू पर भी आपके इश्यूज क्रिएट हुए. माना कि 2017 के इस इशू में इंडिया को एक स्ट्रेटेजिक विन ज़रूर मिली थी, बट अब जो पॉलिसीज़ हैं आपके चाइना की वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही हैं. तो इन एग्रेसिव पॉलिसीज़ के अंदर
इंडिया किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो देखना होगा। तो मेनली दो ही आपके बॉर्डर इश्यूज थे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए चाइना के साथ में, जारक्लंग का और पैसेम्यूंग का। बट अब यहाँ पर 58th ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की जो वर्चुअल काउंसिल थी उसमें आपके साफ साफ इसको जब आपकी ये मीटिंग होती है तो जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की जो मीटिंग थी तो इसमें फंडिंग के लिए आपके इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को फंडिंग दी जाती है, बट यहाँ पर आपके चाइना ने इसे फंडिंग देने से साफ साफ मना कर दिया और इससे पहले ऑलरेडी कई बार इसकी फंडिंग दी जा चुकी है। बट अब चाइना ने एकदम से, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से सरप्राइज थे कि आपके सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर आपके यहाँ चाइना ने इसे साफ साफ मना कर दिया और यह क्लेम किया कि इट इज़ ए डिस्प्यूटेड एरिया। तो चाइना ने 58th मीटिंग ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी काउंसिल में ट्राइड टू अपोज फंडिंग टू ए प्रोजेक्ट फॉर ए सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन भूटान, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के रूप में इसने दिखाया, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया को चाइना सीधे सीधे क्लेम कर रहा है। चाइना का ये जो क्लेम है वो आप ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की वेबसाइट पर जाकर 58th मीटिंग के इस रिपोर्ट में देख सकते हो, जहां पर एजेंडा आइटम 3rd के अंदर समरी ऑफ द चेयर में साफ साफ आपके यहां पर क्लेम है सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, जो कि आपके प्रोजेक्ट आईडी 10561 के अंदर चाइना ने इसको फंडिंग देने का साफ साफ अपोज किया और इसे डिस्प्यूटेड एरिया बताते हुए चाइना ने इसे क्लेम किया, इट विल बी ए पार्ट ऑफ चाइना। बट प्रॉब्लम इंडिया के लिए कहां पर है, मेन इशू है आपके इंडिया के प्रॉब्लम के लिए, देखो वो समझते हैं। ये चीजें तो आपको पता ही है, जकारलंग और पैसेम्यूंग ये दो डिस्प्यूटेड एरिया हैं आपके ऑलरेडी किसके बीच में, भूटान और चाइना के बीच में। 2017 में हमारा डोकलाम विवाद भी आ गया, तो दीज आर द ओल्ड डिस्प्यूट। बट यहाँ पर आप लोकेशन देखो इस सेकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, ये जो सेकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो लोकेशन है यहाँ पर तुम्हारा जो बॉर्डर रह जाता है वो आपके चाइना से बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा दूर है, कोई रिलेशन नहीं है, ये आपके बॉर्डर काफ़ी ज़्यादा आपके दूर रह जाता है। और यहाँ पर हमारे इंडिया के अरुणाचल प्रदेश की तवांग मैनेस्ट्री और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर एरिया है और आपके जो भूटान का बॉर्डर एरिया है और चाइना के बॉर्डर एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर ये सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो डेफिनेटली सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्लेम करने का मतलब साफ साफ ये है कि मैकमोहन लाइन के मुद्दे को चाइना वापस उठाना चाहता है और जो अरुणाचल प्रदेश है उसे भी कंप्लीटली क्लेम कर रहा है, क्योंकि डायरेक्टली वो आपके इस पूरे एरिया को इनडायरेक्टली उसने क्लेम कर दिया है कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, जैसे कि क्लेम तो वो पहले से ही करता आ रहा है, बट इस मुद्दे को वापस चाइना अब आपके दूसरा फ्रंट इंडिया के रेस्पेक्ट में भी अरुणाचल प्रदेश पर खोल सकता है। ऑलरेडी आपके गलवान घाटी के और जो हमारे पगोंग सॉ लेक के जो इश्यूज हैं वो तो चल ही रहे हैं, पर साथ साथ में आपके अरुणाचल प्रदेश के जस्ट पास में ये जो सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इस पर भी क्लेम क्रिएट होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग इस पॉइंट पर है आपके ये सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि चाइना के इस बॉर्डर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो इनडायरेक्टली ये अरुणाचल प्रदेश पर वापस अपने क्लेम को उठाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को आगे आना चाहिए। ये साकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके क्या है, ये जो साकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आपके त्रेशियांगंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सिचुएटेड है, जो कि आपकी सीधे बॉर्डर रखती है आपके समद्रुप जोखार डिस्ट्रिक्ट से भूटान में, और ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है और ऑलरेडी ये भूटान की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंक्लूजन के अंदर भी आता है। इट इज ऑल्सो कम्स दिस वाइल्ड लाइफ सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो कम्स भूटान्स टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंक्लूजन। अगर आपके बात की जाए एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर आपके ब्लैक रम्ब्ड मैगपाई काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो इट इज़ ऑल्सो ए प्रोटेक्शन साइट ऑफ ब्लैक रम्ब्ड मैगपाई। तो ये जो सेंचुरी है आपके ईस्टर्न मोस्ट टेम्परेट इकोसिस्टम्स में आती है और साथ साथ इट इज़ ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय सब एल्पाइन कॉनिफर फॉरेस्ट इको रीजन। इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय सब एल्पाइन कॉनिफर
फॉरेस्ट इको रीजन, यहाँ पर आपके काफी ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज भी मिलेंगी जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी एरिया में आपको मिलती है, साथ साथ में इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपके ईस्टर्न ब्लू पाइन और ब्लैक रंग मैगपाई काफी देखने को मिलती है, और साथ साथ में इट इज ऑल्सो ए प्रोटेक्टेड एरिया फॉर द मिगोई येती लाइक क्राइपेड्स। तो ये सारी चीजें आपके बहुत ज्यादा यूजफुल है अगर हम एनवायरमेंट और इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। तो ये जो सारे विवाद क्रिएट करने वाले हैं ही, बट ये सारा मुद्दा आपके उठता है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की 58th मीटिंग में। ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मल्टीलेटरल फाइनेंशियल मैकेनिज्म के तहत आपके ग्रांट्स प्रोवाइड करती है आपकी कंट्रीज को, जो कि एक ग्लोबल एनवायरमेंट टू प्रमोट टू बेनिफिट द ग्लोबल एनवायरमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल लाइवलीहुड इन लोकल कम्युनिटीज लाइक भूटान्स कम्युनिटीज एंड ऑल। तो ये एक फंड सेटअप है जो कि वर्ल्ड बैंक ने 1991 में, इट वॉज ए सेटअप एज ए फंड अंडर वर्ल्ड बैंक 1991। तो साथ साथ में आपको रियो द अर्थ समिट सभी को याद होगा 1992 का जो रियो अर्थ समिट था, वहीं पर आपके इस ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर किया। ऑलरेडी ये वर्ल्ड बैंक का पार्ट थी एज ए फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक 1991 में इसे इस्टेब्लिश किया गया, फिर 1992 में जो अर्थ समिट होती है रियो द जेनेरियो ब्राजील में, वहां पर इसे रिस्ट्रक्चर कर दिया गया और फिर इसे वर्ल्ड बैंक सिस्टम से बाहर निकालकर एक परमानेंट और सेपरेट इंस्टीट्यूशन ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी को बना दिया गया। फिर 1994 में वर्ल्ड बैंक इसके वर्ल्ड बैंक हैज सर्व्ड एज द ट्रस्टी ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट ट्रस्ट फंड एंड प्रोवाइडेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑल्सो। अभी आपके ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का जो हेडक्वार्टर है वो आपके वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में है। टोटल 6 लोकल वर्क्स हैं, लोकल एरियाज ऑफ वर्क्स है जहां पर आपके ये फंडिंग प्रोवाइड करवाते हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। दीज एरियाज ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड फंड्स आर अवेलेबल इन बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल वाटर्स, ओजोन डेप्लीशन, लैंड डिग्रेडेशन एंड POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट। सभी को याद होंगे परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉलिटेंट्स, डर्टी डजन्स एंड ऑल। तो इन 6 एरियाज पर आपके ये ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी वर्क करता है। तो रिसेंटली आपके इसके कई प्रोग्राम हैं, कई फाइनेंशियल मैकेनिज्म हैं। इट आल्सो सपोर्ट्स एन एक्टिव पोर्टफोलियो अवर 2000 इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबली। तो डेफिनेटली भूटान के लिए भी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था यहाँ के फ्लोरा फौना इकोसिस्टम्स को डेवलप करने के लिए, जिसे चाइना ने अपोज किया। तो मेनली अभी यहाँ पर जो आपके फाइनेंशियल मैकेनिज्म है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की, आपके CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, आपका UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCD, UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, POPs का जो स्टॉक होम कन्वेंशन है आपके उसमें, और जो मरकरी को लेकर मिनामाता कन्वेंशन है, इन सभी में ये अपनी फाइनेंशियल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करवा रहे हैं। और इंडिया ना सिर्फ इस ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी का डोनर है बल्कि आपके ग्रांट और रेसिपिएंट्स भी मिलते हैं। तो साथ साथ में आपके फंडिंग भी इंडिया इस फैसिलिटी में प्रोवाइड करवाता है और हमारे हिमालयन इकोसिस्टम को सस्टेनेबल और रखने के लिए जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उनमें हेल्पफुल तरीके से यहाँ पर रेसिपिएंट भी है। तो इंडिया इज नॉट ओनली द डोनर बट ऑल्सो रेसिपिएंट ऑल्सो ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। तो सबसे बड़ा इशू अब ये आता है कि इनडायरेक्ट वे में, माना इट इज ए न्यू बॉर्डर डिस्प्यूट विद भूटान, बट ये जो आपके सेकेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये अरुणाचल प्रदेश के पास में है। तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली चाइना ने फिर कहा है कि मैकमोहन लाइन को चाइना नहीं मानता है और अरुणाचल प्रदेश आपका चाइना का ही हिस्सा है, इसे वो वापस क्लेम करने लग गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर इंडिया को फिर स्टैंड लेना पड़ेगा, बिकॉज डोकलाम इशू में भी इंडिया ने आपके स्टैंड लिया था। अगर थोड़ा सा यहाँ पर नया फ्रंट खोलता है आपके चाइना और थोड़ा एग्रेसिव होता है, देन डेफिनेटली वी शुड यूज आर ऑल रिटेलेटरी पावर्स। तो हमें सारे रिटेलेटरी पावर्स को यूज करना होगा और थोड़ा सा जो डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेज हैं उसे भी यहाँ पर तैयार रखना होगा।
और खासकर इस मुद्दे को आपके इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस करने के लिए, और साथ साथ जो अभी मीटिंग्स चल रही हैं उसमें भी इस डिप्लोमेटिक इशू को हमें आपके एंटरटेन करना चाहिए कि क्या इश्यूज हैं, क्या चीज़ें हैं, उस पर इंडिया क्या स्टैंड लेता है, ये थोड़ा देखना भी बाकी है। तो रिमेंबर दैट व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ सेकेंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, व्हाट इज़ द यूटिलिटी इन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट, एंड व्हाट इज़ ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, किन सिक्स एरियाज में वो वर्क करता है। तो इस पर ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी पर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर। यू कैन यूज माई रेफरल कोड SK Sharma फॉर अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन और फॉर एनी टाइप ऑफ इंक्वायरी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, और मेरी स्पेशल क्लासेस के लिए यू कैन फॉलो मी दिस प्रोफाइल। तो फ्यूचर में आपके जो भी स्पेशल क्लासेज अनअकेडमी प्लस पर अवेलेबल होंगी यू कैन वॉच इट। ओके गाइज, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज स्टे सेफ, स्टे होम।